प्रीतम, एक वर्ष पूरे हो चुके हैं। एक वर्ष किसके? एक वर्ष उस शख्स के जिसकी सियासत में फर्श से अर्श की दिलचस्प कहानी, वो है अमरजीत भगत। करीब 20 बरस पुरानी बात होगी, बल्कि उससे थोड़ी सी ज्यादा। सियासत में एक शख्स कदम रख रहा था जिसका नाम अमरजीत भगत था। संघर्षों का दौर कभी उसने छुपाया नहीं उन कई किस्सों को, और न ही वहाँ के लोग जहाँ का अमरजीत भगत खुद आते हैं जिस जगह से, वो भूलते हैं, और ना अमरजीत की सहजता है वो उसे भूलने भी नहीं देते। अमरजीत भगत फिलहाल शायद कहना चाहिए कि अपने उरोज के काल में हैं, आगे और शायद बढ़ेंगे, मगर फिलहाल वो इस सरकार में खाद्य मंत्री हैं। वो विभाग जो किसी भी सरकार, कोई भी हो, एकीकृत मध्य प्रदेश के समय से भ्रष्टाचार को लेकर और तमाम तरह के आरोपों से घिरा रहा है, इस समय उस विभाग के मंत्री हैं अमरजीत। अमरजीत के हवाले संस्कृति भी है, पर्यटन भी है, और एक वर्ष पूरे होने पे हम अमरजीत भगत के पास हैं। अमरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है एमपी जी। धन्यवाद। सियासत का सफर कैसा है? सिर्फ एक साल पे क्यों टिके? चले अपन 22 साल पुराने से आज पे, अमरजीत कितना बदला, कितना परिपक्व हुआ है? अमरजीत ना बदला है, बदलेगा। जो जो है, जैसा है, आपके सामने है, और मैं बदलना भी नहीं चाहता हूँ। कि जो अभी आप देख रहे हैं कि एक छोटे से कमरे में हम बैठे हैं, और किस प्रकार से लोग अधिकार के साथ अंदर तक आ जाते हैं, और मैं इसको अपना पूंजी मानता हूँ कि लोग जहाँ कहीं भी रहता हूँ खींचे चले आते हैं, और जिस रास्ते जिधर से भी निकलता हूँ बिना रोके आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इस कारण से कई बार लोग प्रश्न भी खड़ा करते हैं कि लॉकडाउन में भी इस प्रकार का उचित नहीं है, मानता हूँ, परंतु लोगों की चाहत और लोगों की इच्छा के सामने आदमी बहुत ज़्यादा कुछ कर पाने में असमर्थ रहता है। तो मैं जैसा या केवल के लिए या अन्य लोगों के लिए पहले था, वैसे ही आज भी। अमरजीत, जो बात बगैर भूमिका के कह रहे हैं, दरअसल वो मसला ये था कि हैप्पी बर्थडे बॉय थे अमरजीत कुछ दिन पहले, और अंबिकापुर के दौरे पर थे, और उनके समर्थकों ने घड़ी चौक पर, जहां पे की धारा 144 प्रभावी है, जहां पे कोई धरना तक नहीं हो सकता, वहां इनका जन्मदिन समारोह आयोजित कर दिया, और जाहिर है सियासत है, सरगर्म हो गई, आरोपों के निशाने पे अमरजीत आ गए। लेकिन अमरजीत की एक शैली है, जहां विवाद उसे दिखता है अमरजीत बहुत सफाई और सधाई के साथ उससे किनारे कर लेते हैं, जवाब देते हुए चुप होके नहीं। बहरहाल अमरजीत, ये खाद्य विभाग जो आपको मिला हुआ है, हमारा कोरोना काल चला प्रदेश में, और देश में इस फूड डिपार्टमेंट का जो सर्कुलेशन था, जो वितरण व्यवस्था थी, उसमें खूब तारीफें बढ़ गई। इस तारीफ के बीच में कहीं कुछ ऐसा दिखा कि यार ये कमी रह गई, अगली बार इसको दूर करेंगे? देखिए, जब व्यक्ति काम करता है, जब खेत में जाने से किसानी बुझाता है, आप जब काम करेंगे तो निश्चित तौर पे दिखेगा कि इसमें और अगर हम कसावट कर लाते या पहले इसमें कुछ निर्देश देते तो इसमें रिजल्ट और अच्छा आ सकता था। बहरहाल, जो अभी कोरोना संक्रमण काल में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत सरकार गाइडलाइन जारी किया, उस एडवाइजरी को छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया, उस बीच में बहुत चैलेंजेबल था कि अपना काम को अंजाम तक पहुंचाना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ राज्य में किसी को भूखा सोने नहीं दिया जाएगा, सबके लिए पर्याप्त खाद्यान्न की व्यवस्था की जाएगी, और जिसके पास कार्ड रहेगा उनके लिए भी, जिसके पास कार्ड नहीं रहेगा उनके लिए भी। इस काम को करने में बहुत कठिनाई थी, परंतु अपने विभाग के उन कद्दावर और मेहनत के जो कर्मचारी थे, टॉप से लेकर के और ग्राउंड लेवल तक, उनके सहयोग से इस काम को बखूबी हमने किया। ये बताते हुए प्रसन्नता होता है कि
जो व्यवस्था छत्तीसगढ़ में की गई थी वो पूरे देश में यहाँ की व्यवस्था को लोगों ने सराहा है, और केवल मैं नहीं कहता, भारत के खाद्य मंत्री ने भी छत्तीसगढ़ की व्यवस्था का सराहना किया है कि इतने कम समय में जहाँ बहुत सारे राज्य ना कार्ड बना पाए, ना खाद्यान्न वहाँ पर लिफ्टिंग कर पाए, ना वितरण कर पाए, और हमने एडवांस में सब जगह करके जब भी बात हुई तो हमने बकायदे उनको रिजल्ट बताया कि हमने इतना परसेंट लिफ्टिंग कर लिया है, इतना परसेंट वितरण कर दिया है, इतना शेष है। तो व्यक्ति का काम बोलता है, जब काम जब दिखा तो माननीय पासवान जी भी खुले मुक्त कंठ से तारीफ करने से पीछे नहीं रहे, और कई मौके पे ऐसा आया कि हम जो जो बात कहे उनसे उसको उन्होंने सुना भी, तो इसलिए मैं उनका भी बहुत शुक्रिया। एक साल पूरे होने जा रहे हैं आपको विभाग संभाले, क्या इस एक साल के बाद खाद्य के मसले पर किसानों को क्या कुछ नया मिलने जा रहा है? एक बड़ी चर्चा चली थी कि हम जो हमारे पास चावल है या जो धान होता है उसको हम कुछ ऐसा उसका सत्व बनाएंगे, कुछ फैक्ट्री लगाएंगे जिसके बाद हम उस चावल का या धान का और उपयोग कर पाएंगे। बिल्कुल पाइपलाइन प्रोजेक्ट कहा जा रहा था इसको, फिर ये कोविड का मसला आ गया। क्या हम इसमें कुछ आगे बढ़ रहे हैं? क्या इस नए साल में, एक साल के बाद जो नया साल शुरू होगा, क्या आप किसानों के लिए कुछ आप लोग कर पाएंगे? आपकी जो प्रश्न है वो बहुत गंभीर है, और चूंकि सीधा सीधा कह पाना जरा मुश्किल है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इच्छा व्यक्त की है और कहा भी है कि हम जो छत्तीसगढ़ का सरप्लस धान है उससे हम एथेनॉल बनाएंगे, और उन्होंने आदेश भी जारी किया है, और इसमें CSIDC को नोडल विभाग भी बनाया है। परंतु जब तक भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय उसका रेट तय नहीं करेगा, जब तक कृषि विभाग से उसके लिए NOC नहीं मिलेगी कृषि मंत्रालय से, और जब तक जिस प्रकार से FCI को उनको अनुमति दिया गया है उस प्रकार से हमको छत्तीसगढ़ को अनुमति नहीं मिलेगा, तब तक इसमें आगे बढ़ने में कई अभी दिक्कतें हैं। और मैं कल या परसों के दस्तखत किया हूँ जिसमें भारत सरकार से आग्रह किया हूँ कि जिस प्रकार से आपने FCI को एथेनॉल बनाने के लिए आपने परमिशन दिया है उसी प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार को भी दें ताकि हम इस दिशा में एथेनॉल बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। परंतु जब तक वहाँ से लिखित हमको अनुमति प्राप्त नहीं होता है तब तक इस दिशा में कोई ठोस समय सीमा बताना, निश्चित समय सीमा बताना जरा मुश्किल है। लेकिन यह स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि धान से जो सरप्लस धान है उसका एथेनॉल बने, और सरकार स्तर पर पूरा प्रयास भी चल रहा है, और जिस दिन हमको मान्यता मिल जाएगी उस दिन किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, और इस दिशा में जहां आर्थिक स्वावलंबन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा कि किसान जितना उत्पादन करेगा उसका एक एक दाना खरीदा जाएगा और उसके अच्छे दाम मिल सकेंगे। तो इस दिशा में अगर भारत सरकार अगर जल्दी हमको अनुमति प्रदान करती है तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा, बहुत ही एक अच्छा पहल होगा। केंद्र और राज्य के संबंध, खासकर ये चावल वाले मसले को लेकर, जबकि ये राशि आई कि हमको बोनस देना है नहीं देना है, गतिरोध अपने चरम पे आया, ये जो फैक्ट्री का मसला है ये भी उसी कागजी खेल में चल रहा है, क्या केंद्र और राज्य के संबंधों में कहीं तनाव है या कहीं कुछ संवादहीनता है या कहीं अडिगता है, कुछ है मसला? देखिए, फेडरल सिस्टम में जहाँ केंद्र और राज्य के अपने अपने अधिकार और कर्तव्य हैं, एक दूसरे के कई मामले में पूरक है कि अगर हमको धान खरीदना है तो निश्चित तौर पर हम
भारत सरकार की एजेंसी के रूप में खरीदते हैं और एक पॉलिसी में है कि जो भी राज्य समर्थन मूल्य में खरीदेगा उसको भारत सरकार उसको लेने के लिए वो कमिटमेंट है उनका कि पॉलिसी में है कि वो प्रतिबद्ध है कि उसको लेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जहाँ पर एक साथ पक्ष और विपक्ष को खड़ा होना था किसानों के मामले में, वहाँ पर विपक्ष इसमें राजनीति करता हुआ नजर आया और स्वाभाविक रूप से विपक्ष में होने के नाते लोग अपना काम किए। लेकिन हम पूरे मसले को देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी का कदम था इसमें वो बहुत निराशाजनक था। किसानों के मामले में वो अलग थलग पड़ गए। धान खरीदी करने के लिए जिस समय किसान और यहाँ के कांग्रेस सरकार मांग कर रही थी केंद्र से कि हमको केवल अनुमति प्रदान किया जाए, हम 25 रुपये कुंटल में खरीदना चाहते हैं, उस समय विपक्ष के हमारे साथी ना तो कोई मांग पत्र भेजे, ना ही एक बयान दिए, ना ही अपने नेताओं से उन्होंने आग्रह किया। तो किसानों के बीच में एक मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी केवल इस मामले में राजनीति कर रही, किसानों के साथ कहीं खड़े नहीं है। और जब आगे बात बढ़ी तो राज्य सरकार ने परिस्थितिजन्य कारणों से कि यहाँ समर्थन मूल्य में ही धान खरीदी किया और जहाँ पर किसानों को नुकसान हो रही थी वहाँ पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना बना करके उनको सपोर्ट करने का काम किया। तो इसमें ये माननीय मुख्यमंत्री जी की राजनीतिक चतुरता है कि अपने जो नाव है उसको किस प्रकार से भंवर से निकालना है, उनकी सूझबूझ और चतुरता से छत्तीसगढ़ को एक दिक्कत से निकाला गया है। तो मैं मुख्यमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा रास्ता निकाला कि केंद्र और राज्य के बीच जो टकराव की स्थिति बन रही थी उसको टालते हुए और राज्य हित में निर्णय लिया गया। ये जिस योजना की बात कर रहे हैं किसान न्याय योजना, दरअसल उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जबकि धान खरीदी योजना केंद्र और राज्य के बीच प्रस्तावित होती है तो केंद्र एक समर्थन मूल्य देती है और समर्थन मूल्य के आधार पर ही एक अनुबंध भी होता है कि किसी भी सूरत में समर्थन मूल्य से ज्यादा की राशि आप किसानों को नहीं देंगे। इसके पीछे केंद्र की दलील होती है कि ऐसा करने से एक ही किस्म की उपज देश में बढ़ेगी और जबकि बढ़ेगी असमानता होगी। तो जब ये बोनस का वादा का मसला आया तो इस पर केंद्र ने आपत्ति दर्शाई, बोनस सीधे तौर पे जोड़ के नहीं दिया जा सका और उसके बाद एक किसान न्याय योजना बनी। एक चीज इसमें जो ध्यान रखने की है जिसके शायद आगे कुछ परिणाम होंगे वो ये कि केंद्रीय सरकार ने किसान न्याय योजना को लेकर पूरे फॉर्मेट की जानकारी मांगी है राज्य सरकार से, जो राज्य सरकार भेजने जा रही है। बहरहाल संस्कृति विभाग में काफी कुछ काम बचा है राज्य के अंदर, राज्य बहुत समृद्ध पुरातत्व के साथ है। उस पे जाने से पहले मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। ऐसे कई कलाकार हैं जिनको छत्तीसगढ़ सरकार ने कई मदद की कई मौकों पे, आज लॉकडाउन का समय है उनके पास रोजगार के अवसर नहीं है, क्या कोई आर्थिक सहायता जैसी चीज मुहैया होगी? निश्चित तौर पे आप जो बात बोलते हैं उससे बोल रहे हैं उससे हम भी वाकिफ रहते हैं और मेरी पूरी सहानुभूति है कलाकारों से, कला प्रेमियों से। और बताना चाहता हूँ कि जितने भी कार्यक्रम हुए और भुगतान लंबित था उसको अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने सबका भुगतान रिलीज किया है और मेरे ख्याल से आज मिलना भी शुरू हो गया होगा या नहीं तो मिला होगा तक दिन में उन लोगों को मिलना भी शुरू हो जाएगा। पहले जो कार्यक्रम करने के बाद उनको सालों लग जाता था, 6-7 महीना लग जाता था, वो अब ऐसा स्थिति नहीं है। अब पिछला जितना भी भुगतान था उसको हमने क्लियर किया और अभी तक का जितना कार्यक्रम हुआ है सभी का भुगतान हमने क्लियर कर दिया है और निर्देश दिया है किसी भी कलाकार का कोई भी भुगतान लंबित नहीं रहना चाहिए। रही सवाल जो लॉकडाउन से जो स्थिति निर्मित हुई है उसमें कलाकार कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो इस संदर्भ में जरूर मुख्यमंत्री जी से भी मैं बात करूंगा। अभी तक तो क्या है कि पिछले इनका भुगतान हम नहीं कर पाए थे इसलिए हम बात नहीं कर रहे थे,
इस संदर्भ में जरूर माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा और कोई रास्ता निकलेगा तो मैं जरूर आप लोगों से शेयर करूंगा। पार्वतीपुर से निकला वो लड़का जिसके राजनीतिक गुरु बने अजीत जोगी, अजीत जोगी जिनको अपना मानस पुत्र कहने से, राजनीतिक पुत्र कहने से नहीं थकते थे, जब जोगी ने अलग पार्टी बनाई तो अमरजीत ने अपनी राह फिर अलग की। जोगी की याद आती है केवल जोगी जी की नहीं, इस सफर में जितने भी मिले और बिछड़े हर किसी की याद आती है और जिसके साथ भी अगर कुछ क्षण भी आदमी गुजारा है वो मानस पटल पर हमेशा वो अविस्मृत रहेगा और हम उन क्षणों को जब एक साथ जमीन में से बहुत सारे उतार चढ़ाव स्थान देखे और एक दौर आया कि हम अलग हुए तो पूरे हमारे दृष्टि पटल में है और मानस पटल में हमें ऐसा ही अविस्मृत रहेगा। भ्रष्टाचार का विभाग माना जाता रहा है खाद्य, आपके कार्यकाल में कितने प्रतिशत घट गया होगा क्या लगता है? देखिए आपका जो प्रश्न है बड़ा व्यापक है और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के 13वें मंत्री के रूप में आज ही के दिन मैंने शपथ लिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक से सीधा जुड़ा हुआ है विभाग मुझे सौंपा था और जो जिन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराया कि छत्तीसगढ़ में भूखा कोई नहीं सोएगा, सबके लिए खाने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी, हमने तो शुरू दिन से ही उसी काम में लग गया है। पहला जो यहाँ राशन कार्ड जो कटे फटे थे पुराने हो गए थे उसको 56 लाख राशन कार्ड नवीनीकरण किया, इसके बाद 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हमने यूनिवर्सल PDS सिस्टम यहाँ लागू किया, उसमें लगभग 10 लाख राशन कार्ड बने, तो इस प्रदेश में लगभग 65 लाख राशन कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, किसानों का धान खरीदी करना, उनका कस्टम मिलिंग कराना और सेंट्रल पूल स्टेट पूल सबको पूरा करते हुए और लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाना, इसी काम में हम लगे रहे और सभी कामों को हमने पारदर्शिता से किया। हमने स्पष्ट तौर पर जिस दिन हमने विभाग में जाकर के जिम्मेदारी संभाली और उस कुर्सी में बैठने के बाद मैंने सभी को एक टास्क दिया था और कहा था कि जिस विभाग का ताज मेरे को पहनाया गया है, जिम्मेदारी दिया गया है, इस एक बड़ा दागदार है और इससे बचना हम सब लोगों की नैतिक जवाबदारी है। कोई भी आउट ऑफ ट्रैक जाकर के काम करेगा तो भूल जाओ कि आपका मंत्री आपको सपोर्ट करेगा, ना मैं स्वयं बोलूँगा और ना ही ऐसा करने वालों को बचाऊँगा। तो इसका असर ये रहा कि कहीं भी इस आज तक करप्शन के एक भी प्रकरण सामने नहीं आए, तो मैं मानता हूँ कि कसावट आई है और उस विभाग जिनको लोग संदेह की दृष्टि से हमेशा देखते थे, जहाँ नान घोटाला धान घोटाला बड़ा बदनुमा दाग था, उसको आज लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और खाद्यान्न विभाग कहने से बड़ा उनके चेहरे में एक हंसी आ जाती है, तो मैं मानता हूँ कि ये मेरे लिए कुंजी है और यही मैं देख करके और यही इतना लोगों के चेहरे में खुशी देख करके मुझे बड़ा संतुष्टि मिलता है, तो यही मेरी कामयाबी है। इस कामयाबी के साथ अमरजीत की एक कामयाबी सियासी तौर पे जो देखी जा रही है वो ये जान लीजिए कि सरगुजा के भीतर सियासत का एक दूसरा शक्तिशाली स्तंभ अमरजीत के रूप में देखा जाता है। जबकि अमरजीत भगत के आप राजनीतिक पृष्ठभूमि को जाएंगे तो ये कुछ संयोग सा बना रहा है कि सर्वशक्तिमान पैलेस के सामने अमरजीत भगत का नाम हमेशा रहा, वो चुनौतियां देते रहे और आगे बढ़ते रहे। एक बार फिर जबकि कांग्रेस की सरकार है, सरगुजा पैलेस का लोकप्रिय चेहरा TS सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री हैं, उसी सरगुजा से अमरजीत खाद्य मंत्री हैं और एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं। जो लोग देखते हैं वो जानते हैं कि जिनको पैलेस में संरक्षण नहीं मिलता या पैलेस से उदासीन है वो अमरजीत की ठौर पकड़ लेते हैं। अमरजीत, आपको ये जो दूसरे स्तंभ के रूप में देखा जा रहा है
ये शुरुआत तो पहले से हो गई थी, आज कुछ मुकम्मल हुआ मामला? देखिए यहाँ केवल जी, मैं पहले भी बोला हूँ, आज ही बोल रहा हूँ, आगे भी बोलूँगा कि मुझे राजनीति नहीं आती, और मैं तो एक साधारण परिवार से आता हूँ जिसकी पृष्ठभूमि भी अभी राजनीतिक नहीं रही है, परंतु इतना जरूर जानता हूँ कि संबंध जोड़ते चलिए और आदमी का आदमी से मेल होते रहे, एक दूसरे का काम आते रहे, और अपने काम से फुर्सत नहीं है तो कहाँ हम किसी से विरोध या दुश्मनी के लिए हमारे पास वक्त है, और हम एक कर्मयोगी के रूप में अपने को जानते हैं कि सुबह से शाम तक काम जो भी आया उसमें कभी हम राजनीतिक चश्मे से कभी नहीं देखते, जो भी मदद के लिए आता उसको मदद करते हैं। यही शायद लोग तरह तरह की जो आकलन लगाते हैं, और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो मेरा स्वभाव है मुझे हमेशा इसको निभाने के लिए वो शक्ति प्रदान करते रहे और मैं लोगों का काम आते रहूँ। कौन नाराज है, कौन खुश है, मैंने कभी उसको जानने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि मैं जानबूझ करके कोई ऐसा गलती नहीं करता कि कोई मुझसे नाराज रहेगा, और जब भी ऐसा अवसर आता है तो हम लोग सब दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। तो एक साथ राजनीति में जब संघर्ष किए, सरकार आई, तो जो बात आप बोल रहे हैं उसके लिए मैं सोचता हूं कि ये सब उपयुक्त नहीं है जो आप कह रहे हैं। आपको एक बार फिर से एक वर्ष पूरे होने की सफलता से बधाई हो, राजनीति में आप इसी मुकाम के साथ और आगे बढ़ें। अब जहां तक बात अमरजीत की थी कि मुझे राजनीति नहीं आती, तो किसी शायर की पंक्तियां हैं जिसका नाम मुझे याद नहीं, शायर ने कहा है, जादू है या तिलिस्म तेरी बातों में, सुनता ही गया कह न सका, बाखुदा लफ्ज़ लफ्ज़ झूठ था। या केवल एनपी जी।